हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल लिबोल का, आर्क प्राइमल फियर प्लस आर्क इटर्नल का। और आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप लोग को आर्क पीसी आर्क मोबाइल के सर्वर बनाने, नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग सर्वर बना सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क और दूसरे गेम्स की वीडियो देखनी है तो गेमिंग विद एनी के चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से उनके चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लेना। और हम लोग ने आर्क पीसी की वीडियो डालने के लिए एक नया चैनल खोला है जिसका नाम है आर्क गेमिंग, सो उसको जरूर देखना गाइस। वहां पे डेली वीडियोस अपलोड होती है आर्क पीसी की। और उस नए चैनल को जो ना गाइस, अगर आपको सर्च करके नया चैनल नहीं मिल रहा है तो कम्युनिटी टैब में उसका लिंक शेयर करता रहता हूं मैं, वहां से आप लोग उस नए चैनल को चेकआउट कर सकते हो। सो चलो गाइस, आज का ये वाला एपिसोड, बॉस फाइट वाला एपिसोड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज जो है ना गाइस, हम लोग हमारे बंदर को, जो डिमोनिक बंदर हम लोग ने पिछले एपिसोड में टेम करा था, इस बंदर को लेके जाने वाले ओरिजिनल प्राइमल वाले बॉसेस को मारने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए अभी फिलहाल के लिए फुल ओरिजिन सेट। मेरे पास बस एक पैंट और एक हेलमेट जो है वही ओरिजिन वाला है, बाकी सारे कपड़े ना मैं फाइबर के अभी तक पहन रहा हूँ। सो मुझे जो है ना गाइस ओरिजिन वाला फुल सेट चाहिए, प्लस जो हमारी ये फोर्स फील्ड चल रही है ना गाइस, ऊपर जो देख रहे हो फील्ड, उसको जो ना गाइस चलाने के लिए हम लोग को काफ़ी सारा एलिमेंट चाहिए होता है, वो भी एलिमेंट जो है ना गाइस आज ओरिजिन वाले भाई बॉसेस को मार के हम लोग को मिलने वाला है। और हमारी ये फर्स्ट टाइम जो है ना गाइस बॉस फाइट होने वाली है डिमोनिक डायनो वर्सेस ओरिजिन बॉस के अगेंस्ट। सो देखते हैं कि हमारा डिमोनिक डायनो गीगा से ज़्यादा पावरफुल साबित होता है कि नहीं, क्योंकि गीगा को तो ओरिजिन बॉस को मारने में आधा घंटा लग गया था। और गाइज डिमोनिक नहीं, सॉरी गीगा को, हाँ गीगा को ओरिजिन बॉस को मारने में आधा घंटा लगा था। अभी डिमोनिक डायनो जो ना गाइस ओरिजिन बॉस को कितने टाइम में मारता है वही हम लोग को चेकआउट करना है। और उसके लिए पहले तो मैं इसको क्रायो कर लेता हूँ बराबर। उसके बाद ओए इसके अंदर तो काफ़ी सारा ब्लड पड़ा हुआ है, तो वो वैसे ब्लड और हाइड लेना ज़रूरी है, इसकी जो ना गाइस ज़रूरत हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पड़ती रहती है। और प्राइम मिड लेना है बस, ठीक है। चलो अभी जो ब्लड वगैरह है वो मैं ऊपर रख के आता हूँ, फिर हम लोग ना अलग अलग ओरिजिन को मारने के लिए निकलेंगे, अलग अलग भाई सबको ना अपने पॉटी वाले अटैक से मारेंगे भाई बंदर के। इतना पॉटी फेंकूंगा ना, इतना पॉटी फेंकूंगा भाई, किसी ने सोची ना होगी गाइस, देखना बस उसको ना पॉटी फेंक फेंक के मारूंगा। वैसे मेरी पॉटी जो है ना गाइस वो यहाँ पे, मेरी नहीं बंदर की पॉटी जो है वो यहाँ पर बर्निंग अटैक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला देती है, और उसी आग वाले अटैक से सारे के सारे जो है ना गाइस ओरिजिन की बैंड बचने वाली है। रुको मुझे थोड़ा सा जो है ना गाइस अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे स्पार्क पाउडर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग ने स्पार्क पाउडर डाला है ना गाइस वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो गाइस वो प्रिजर्विंग बीन है वो हमेशा चलते रहें, एंड उसके लिए मैं अभी यहाँ पे स्पार्क पाउडर बनाने के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी डाल देते हैं, और जो स्पार्क पाउडर यहाँ पे मुझे मिला है उसको स्प्लिट करके हम लोग डाल देंगे गाइस यहाँ पे वापस से ऊपर प्रिजर्विंग बिन के अंदर, फिर हम लोग ओरिजिन वाले बॉसेस को मारने के लिए चलेंगे। कितना कितना जाएगा, एक एक हज़ार लगभग, लगभग एक एक हज़ार स्पार्क पाउडर गाइज ऊपर जो है ना गाइज हमारे प्रिजर्विंग बिन्स में जाने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से डाल देते हैं ये एक हज़ार इधर, 600 600 1200 1100 बचाया बस खाली। ये यहाँ पे ये जो है ना गाइज प्रिजर्विंग बिन हमारे चीज़ों को सड़ने से रोक देती है, इसलिए इनका चलते रहना जो है ना गाइज हमेशा ज़रूरी है बराबर। चलो अभी गाइज मुझे फटाफट से यहाँ पे बंदर तो मैंने ले लिया, ओरिजिन वाले बॉसेस की लोकेशन ढूंढनी है, क्योंकि एक एक ओरिजिन को चुन चुन के मारेगा तेरा भाई, ठीक है, पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारेंगे गाइज हम लोग, ओके। सो अभी ओरिजिन की लोकेशन हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, देखते हैं कौन कौन से ओरिजिन गाइज यहाँ पे मैप पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे पहले तो सर्च कर लेता हूँ ओरिजिन, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, ओरिजिन ठीक है, ओरिजिन वाले अर्जेंट एविस है, कार्नो है, काफ़ी सारे डायनोस है, मैं थोड़े बड़े, हाँ रेक्स भाई, अरे भाई रेक्स तो भाई वहाँ पे ही है, यहाँ पे काफ़ी सारे ओरिजिन डायनोस है, लेकिन बर्फ बर्फ से डर नहीं लगता साहब भाई। चलो आ जाओ गाइस, आइस वाले बायोम में हम लोग जो है ना गाइस कभी गए नहीं है, आज जो है ना गाइस पहली बार आइस वाले बायोम में जाएंगे। एक बार गया था शायद से मैं, मे बी उसको टेम करने के लिए आइस ग्रिफिन को, वरना मैं आइस वाले बायोम में गया ही नहीं हूँ, इसमें आपके पहली बार गए जाने वाले आइस वाले बायोम में उस ओरिजिन को मारेंगे, प्लस आइस वाले बायोम में हमको पेंगुइन्स भी मिल जाएंगे और कुछ और ओरिजिन भी मुझे आइस वाले बायोम में दिख रहे थे। ओए ये ओरिजिन तो मेरे घर के साइड में, बड़े एक मिनट वहाँ पे ओरिजिन तो है, और ओरिजिन के साथ ना, ओरिजिन के साथ ना वहाँ पे एक सिलेस्टियल एलो भी है जिससे थोड़ा डर लग रहा है मुझे,
मैं अपने पावर अप कर देता हूँ और इस अर्जेंट टेनिस का गेम बजाने का काम चालू। ऊपर एक ना सिलेस्टल वाला आलू है भाई। सिलेस्टल आलू मर जाए ना तो फिर भाई मेरे मन को शांति मिलेगी। भाई कितने लड़ाउन हो रही है भाई इसकी, अर्जेंट डेविस की हेल्थ का क्या सीन है भाई, इतनी कम भाई क्या चल रही है। पहले ना बंदर की गाइस हम लोग अनलिमिटेड पॉटी फेंक सकते थे, अभी इन लोग ने वो अनलिमिटेड वाला जो सीन है ना गाइस वो हटा दिया है। तो डैमेज तो पड़ रहा है लेकिन गीगा से जल्दी मर रहा है गाइस, ठीक है गीगा से जल्दी मर रहा है ये तो मानना पड़ेगा भाई। गीगा ने जितने टाइम में मारा था उससे जल्दी तो इसकी बैंड बज रही है यहाँ पर। ऊपर से मेरे नजदीक भी नहीं आ पा रहा है उसको मारे, ये मेरे नजदीक भी नहीं आ पा रहा है। बट वही है कि मेरा पॉटी वाला अटैक ना एक्यूरेट नहीं लग रहा है इसके ऊपर। वो बड़ा एरिया घेर रहा है लकीली उस बड़े एरिया में ये गोल गोल घूम रहा है इसलिए इसकी बैंड बज रही है वैसे इसके ऊपर। हाँ अभी ये वाला अच्छा लगा अटैक भाई, 10% हेल्थ डाउन। गीगा से काफी ज्यादा स्पीड में हम लोग इसको हरा रहे हैं भाई। भाई 3 लाख डैमेज, अरे मूर्ख बालक इतने डैमेज से कुछ नहीं होने वाला भाई, ये खाले पॉटी अटैक खाली। 25% हेल्थ डाउन गई थी सर्जन डेविस की, 309 मिलियन हेल्थ थी कम से कम, ठीक है 5 लाख का डैमेज दे रहा है बट डैमेज तो दे रहा है तगड़ा वाला। रुको ना चाहता भाई बेचारा मारा जाए ये कुछ। भाई हेल्थ देखो मेरी 25% हेल्थ डाउन कर दी इसने तुरंत, मैंने लेकिन इसको हीलिंग पोशन खिला दिया तो 1 मिनट तक भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है 1 मिनट तक हम लोग बिल्कुल सुरक्षित है। रुको मैं भाई और पॉटी वाले अटैक में जाता हूँ, जाता अंदर जाता हूँ डाल अपना। ये नेक्रोटिक भाई, भाई नेक्रोटिक स्टैमिना ट्रेन कर देगा। अबे भाई नेक्रोटिक कहाँ, मुझे दर्शन पे लेके जा रहा है मुझे, क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा भाई नेक्रोटिक, लाड़ में आ रहा है भाई नेक्रोटिक। नेक्रोटिक पता नहीं क्या करना चाहता था, ज्यादा हीरो बन रहा था इसको हम लोग ने जीरो बना दिया, ठीक है इसको वापस से बर्निंग अटैक में लेके आ रहे हैं हम लोग। हमारा हीलिंग तो खत्म हो गया पोशन, उम्मीद कर रहा हूँ ज्यादा ना मारे मेरे को भाई। पॉटी फेंक ना, क्या हो गया भाई, अबे पॉटी फेंक यार बंदर, पॉटी नहीं फेंक रहा था छोटा, जब अपने बर्निंग अटैक के अंदर रहना, मेरी हेल्थ देखना भाई, मेरी हेल्थ देखना क्या खा रहा भाई ये। अबे 16 सेकंड भाई, जिंदा रहूंगा 16 सेकंड तक, पता नहीं भाई पार्टी क्यों नहीं फेंक रहा बंदर, भाई देशद्रोही बंदर भाई, क्या पैसे खाएगा तूने, अबे पार्टी तो फेंक भाई, चमन है यार ये बंदर, मैंने इसको क्यों टेम करा। हां भाई निकल जल्दी चलती बच गया भाई, 25% हेल्थ बची थी मेरी खाली भाई, ओनली 25% हेल्थ बची थी। बाल बाल बचाओ मैं भाई, बाल बाल बचाओ वरना अभी मेरी बैंड बच जाती जो सॉलिड वाली ना, क्या बताऊं मैं आपको बहुत गंदी बैंड बचती। टाइम पे मैंने लिख भी लिया भाई, ज्यादा हीरो बन रहा है, ज्यादा हीरो बन रहा है। 100 मिलियन हेल्थ बची है इसकी, देख रहे हो गाइस ये है भाई सुपर हार्ड प्राइमल फेयर प्लस आर्क इटर्नल विदाउट एफएमके मॉड विदाउट इम्प्रिंटिंग। अपने डायनोस की ये हालत होती है भाई, ठीक है विदाउट इम्प्रिंटिंग और विदाउट एफएमके पोशन। 9 सेकंड है भाई, 9 सेकंड में मेरा हीलिंग पोशन का बैंड बन जाएगा भाई, मेरा हीलिंग पोशन खत्म हो जाएगा 9 सेकंड भाई। मुझे इधर उधर भाई मूव करता रहना पड़ेगा ताकि जो अर्जेंट है ना मेरे को ज्यादा डैमेज ना डील कर पाए। अगर ये ज्यादा डैमेज डील करेगा तो मेरी बैंड बच जाएगी क्योंकि अभी कूल डाउन लगा होगा हीलिंग पोशन पीने का। ओ भाई वो डैमेज दे रहा भाई। हीलिंग पोशन का कूल डाउन 8 सेकंड हो रहे भाई, 8 सेकंड हो रहे, मुझे मूव करते रहना पड़ेगा, करूंगा तो मेरी पेटी बन जाएगी गाइस। मुझे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहना है। आई थिंक से हीलिंग पोशन का भी कूलडाउन हट चुका होगा, सीधा तोबड़े पे बम वाला अटैक डाला है इसके मैंने, सीधा मुंह पे बम वाला अटैक भाई, और ये हीलिंग पोशन मैंने खा लिया भाई, ठीक है 30-20 इजी पीजी, इजी पीजी बॉयज, इजी पीजी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भाई गया यार कल बेटा, कल अर्जेंट है बेटा, कल आना कल, ठीक है कल आना कल। 15,000 का तो मेरा बाइट अटैक जा रहा है, खाली खाली 15,000 का बाइट अटैक जा रहा है। बताओ 5, 4, 3, 2, 1 ये ले पट्ट से एक्स्ट्रा एक बुलेट एल पी जी इजी पर के दिन भर के भाई बेचारे के देगा इंडिया खत्म। लेट्स गो बॉयज, अर्जेंट डेविस की फाइनली हम लोग ने जो ना गाइस यहां पे बैंड बजा दी है। इसकी पेटी में पहले मैं देख लूं क्या क्या सामान मिल रहा है हम लोग को। ओ यस, काफी सामान मिला है, काफी सामान मिला है। क्या क्या सामान मिला है मैं अभी आपको दिखाऊंगा, रुको। ओके गाइज, हम लोग को क्या क्या सामान मिला है जरा देखा जाए। ब्लू प्रिंट फेंक की जाए, चेस पीस मिल चुका है, अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। मैंडिकोर स्किन सीधा हमारे चेस पीस पे, बराबर ठीक है। हेलमेट तो हमारे पास पहले से था, 6,000 आर्मर इसका, इसका आर्मर 5,000। आप सुनी भाई, लो आर्मर वाले गए हम लोग जो है ना गए जहाँ पे वो नहीं पड़ेंगे पहनेंगे हेलमेट वगैरह। चलो अभी मुझे हाथ और जो है ना गए बस एक जूता चाहिए और वो हम लोग को देखा गए हमारा रेक्स भाई, मजा आ गया। लेकिन ओरिजिन को मार गया गाइस भाई, ओरिजिन वाले अर्जेंट टीवीज को हम लोग ने जो ना गाइस गीगा से तो ज़्यादा तेज मारा है भाई, ठीक है। तो मानना तो पड़ेगा कि हमारा जो बंदर है वो अपेक्स वाले गीगा से ज़्यादा पावरफुल है डैमेज के मामले में। गीगा को आधा घंटा लगा था और इसको मेरे हिसाब से कितना 15-20 मिनट, इतना भी नहीं टाइम लगा यार, उससे भी कम ही लगा होगा। तो मुझे पानी पीना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगी है भाई एकदम ज़ोरदार प्यास, और मैं नहीं चाहता मैं बॉस फाइट करने जाऊँ वहाँ पर मुझे प्यास लग जाए और भाई मेरी हेल्थ भाई डाउन होना चालू हो जाए। वैसे भी हम लोग जा रहे हैं आइस वाले बायोम में, सो वहाँ पे तो हेल्थ मेरी डाउन हो गई होगी पक्का सोटक्का, क्योंकि गाइस ठंड के मारे जो है ना गाइस बैंड बच जाएगी यहाँ पे पूरी। चलो कोई ना गाइस, ओरिजिन वाले रेक्स को तो मारना है तो थोड़ी ठंड भी सहलेंगे। यार मुझे ठंडी नहीं लग रही है, शायद से मैंने जो ओरिजिन आर्मर पहन रखा है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे ठंड से, अच्छी बात है। मुझे नीचे भाई ओरिजिन वाला रेक्स भी दिख रहा है, मैं भाई कच करके नीचे उतर जाता हूँ एंड फट करके जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे अपने बंदर को बाहर निकालते हैं एंड अभी चलते हैं नीचे, अभी मजा आएगा ना बेटी। हेलो ओरिजिन रेक्स, हमारी मारने आएगा मुर्गी वाले, मारेगा मेरे को भाई, इतने बम डालूंगा बेटा किसी ने सोची ना होगी भाई, ठीक है इतने बम डालूंगा भाई, बम डाल डाल के इसकी आवाज टाइट कर दूंगा भाई। हेल्थ कुछ ज्यादा ही है इसकी, इसकी हेल्थ भाई 500 में लेते हैं कुछ नहीं भाई, बहुत ही ज्यादा हेल्थ है भाई। ये तुम लोग को क्या भाई बम वाला अटैक वर्क नहीं कर रहा है क्या जो ऊपर, अच्छा फायर है तो इसके ऊपर फायर वर्क नहीं करेगा, इसी बात है। प्राइमल भी आ गया पीछे में, अच्छा बोलो बहुत गंदी तरीके से बैंड बच जाएगी। रुको मेरे को प्लान बी यूज करना पड़ेगा, प्लान बी के तहत देखो अबे हटने दो भाई, हटो रे जल्दी आ से हटो अबे भाई, क्या बैंग करता है, क्या बैंग करता है तू अबे भाई, जंप मार के उड़ने दो तो पापा का परा बन के मेरे को, अबे उड़ने तो दो भाई, 20 सेकंड मेरे पास, मैं उड़ के ना नीचे जाना चाहता हूँ। क्या है नीचे भाई पता, तो पॉइजन वाला वो भाई अटैक देख रहा है इसकी, तो मैं ये ले पॉइजन अटैक फेंकेगा बेस क्या किसको, मैं नीचे इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि इस वाले एरिया में अगर हमारा पॉटी अटैक हम लोग डालते हैं तो ये पॉटी अटैक ना इजी पीजी भाई। ये अलग प्रॉब्लम कहाँ से आ गई मेरे सामने अभी भाई, मुझे प्राइमल वाला हीलिंग पोशन भी यूज करना पड़ेगा भाई, इससे काम नहीं चलने वाला। प्राइमल कहाँ पे हीलिंग पोशन, जान खा रखी है भाई, लोग ने मेरी जान खा रखी है भाई। चल पोटो भाई, चलो सारा खतरा क्लियर। रेक्स अंकल, अच्छा तुम पानी में हो रेक्स अंकल, यार रेक्स अंकल से पानी में क्या कर रहे हो यार तुम, तो किनारे पे आ जाओ भाई, किनारे पे आ जाओ, मेरे पिछू पिछू आओ, तुम तो किनारे पे ना पहुंचोगे लेकिन मैं जरूर पहुंचूंगा। अरे यार पानी में मार देता हूँ इसको, चलो हमारे लिए अच्छी बात है भाई, हमको क्या भाई, हमको तो आर्मर चाहिए, हमको तो बस आर्मर चाहिए भाई, हमको तो बस आर्मर, पानी में मार देता
सीधा थोपड़े पे डाला मैंने अपना भाई पॉटी वाला टैग, सीधा इसके अंदर डाल दिया भाई, सीधा अंदर भाई, सीधा अंदर डाल दिया भाई मैंने भाई। स्केल तो जा रही है भाई, हिल नहीं पा रहा अपनी जगह से। ये बढ़िया है भाई, ये बढ़िया है भाई, सीधा अंदर अटैक डाल दो पोटी वाले, देखो हिल भी नहीं पा रहा भाई। सो मिलियन हेल्थ भी डाउन भाई, सीधा सीधा सो मिलियन हेल्थ भी डाउन। ये ले सारे के सारे पोटी वाले अटैक इसके अंदर डाल दिए मैंने भाई। बहुत गंदी वाली हेल्थ डाउन हो रही है, ऊपर से इसकी बहुत ज्यादा गंदी तरीके से हेल्थ डाउन हो रही है। ये ले आग लगा देंगे भाई, पानी पैक लगाएंगे, पानी पैक भाई। मैं तो बोल रहा हूँ एक से काम करते भाई, तोर में या तो सही नहीं मारते, क्योंकि ना यहाँ पे इसका फायदा है ना मेरा कुछ फायदा है। मैं भी कुछ खास अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। ये कौन है भाई? अबे यार जेली फिश आ गया भाई, टॉर्पोर देने वाली जेली फिश आ गई थी, बच गया बाल बाल भाई। मेरे एक को ना किनारे पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पानी में मैं भी ठीक से अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए इसको मैं भाई किनारे पे लेके आ रहा हूँ। आ जा भाई, यहाँ पे आराम से फाइट करेंगे ना अपन दोनों, मस्त भी कि मिल के फाइट करेंगे जरा। आ जा जा हाँ भाई, सब सब आज हमला कर लो मेरे ऊपर, तो भाई आज हमला कर दो भाई, सारे के सारे सारे आज हमला कर दो। वाइब्रेंट चीज याद आई, हम लोग इन वाइब्रेंट की मदद से ना, अबे इसको मारने से बॉस ना स्पॉन हो जाए कहीं पे। अबे चल क्या रहा भाई, अब मैं क्या करूं भाई, मैं मर जाऊं भाई, तुम लोग ही भाई सारे मार रहे हो मेरे को भाई गंदी तरीके से, क्या कर रहे भाई लोग भाई। एक मार रहा हूं, 10 और डायनो स्पॉन हो रहे यहां पे। इस वाइब्रेंट को मारूंगा और कोई वाइब्रेंट स्पॉन ना हो जाए बस, ठीक है। ये रेक्स तो बेचारा भाई चढ़ भी नहीं पा रहा ऊपर भाई, बेचारे की सैड लाइफ भाई। चढ़ गया भाई, फाइनली चढ़ गया। आ जा अभी तेरे को पॉटी अटैक डाल डाल के मार दूंगा मैं रेक्स, ठीक है ठीक है। अपनी डील हुई थी बराबर, सिर्फ भाई एक एक मिलियन का डैमेज दे रहा है भाई तू, शर्म आती तेरे को? शर्म आती, एक एक मिलियन का डैमेज देता है भाई। आर्मर मिला है, पहना लूँ? नहीं पहन नहीं सकता ना, ये नहीं पहन सकता आर्मर में, ये आर्मर पहन नहीं सकता है गाइस हम लोग, मैं भूल गया था। चलो भाई इसको पॉटी वाले, अभी देखो कैसे हेल्थ जा रही है अभी भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी इसकी हेल्थ जा रही है, देख रहे हो आप भाई। अबे यार मेरे को भाई बार बार वो हीलिंग पोजन की याद आ रही है, मैं हीलिंग पोजन पी रहा हूँ भाई बार बार, ठीक है भाई ठीक है। मुझे भाई अपने हेल्थ पे ध्यान देना, 20 सेकंड का टाइम बचाओ भाई, 20 सेकंड तक जो ना कहीं जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा मेरे को, उसके बाद मैं डायरेक्टली प्राइमल वाला हीलिंग पोशन पीऊंगा, जो कि मेरी 50% या 75% भाई हेल्थ डायरेक्टली बढ़ा देगा, ठीक है। इस रेक्स की भी पुंगी बजने वाली अभी ऑन दिस स्पॉट भाई। गंदी मौत मार रहे, बहुत गंदी मौत मार रहे हम लोग इनको, ठीक है। आधे हेल्थ तो डाउन है, मैंने पावर अप नहीं करा था, मैं भूल गया, मैंने अभी जाके पावर अप करा, बताऊँ मैंने अभी जाके पावर अप करा भाई, अभी जाके पावर अप करा, ठीक है। मैं इसको अपने भाई मेरी हेल्थ डाउन हो रही है, मैं भाई अभी यहाँ पे प्राइमल वाला हीलिंग पोशन दे रहा, ठीक है सीधा प्राइमल वाला हीलिंग पोशन भाई, ठीक है। ओरिजिन रेक्स की भी बैंड बज रही है, और ये पता नहीं थर्ड पार्टी करने के लिए कौन सा चमन सा भाई। वाइब्रेंस पे वाइब्रेंस आ रहे हैं, स्केलेटन वाले ये कहाँ से आ रहे हैं, रिजरेक्टेड वाले भाई वाइब्रेंस। अबे बिन बुलाए मेहमान भाई, बिन बुलाए मेहमान आ रहे थे, बिन बुलाए मेहमान, ठीक है। चलो मारने की तो फुल ट्राई कर रहा हूँ, हीलिंग पोशन खिला दिया मैंने इसको, मैं पॉटी वाला अटैक डाल रहा हूँ। रेक्स की अगर हेल्थ की बात करें, रिजरेक्टेड स्पिरिट वाइब्रेंस भाई, ठीक है भाई ठीक है भाई, हो जाओ भाई तुम भी स्पॉन हो जाओ भाई, तुम भी स्पॉन हो जाओ। 18 सेकंड का टाइम है, 18 सेकंड में मेरा गेम ओवर होगा भाई। रिजरेक्टेड वाला स्केलेटन वाला भाई वो वाइब्रेंट स्पॉन हो चुका है, बट कोई ना हम लोग भाई इस रेक्स की तो बैट बजाने वाले, 80 मिलियन हेल्थ बची हुई है खाली उसकी, ओनली 80 मिलियन। और अभी गाइस किसी भी समय इसकी बैंड बच सकती है और ये मर सकता है, ठीक है किसी भी समय। मैं अपना शिवाला अटैक भी डाल रहा हूँ और लेफ्ट क्लिक वाला पॉटी अटैक भी डाल रहा हूँ। शिवाला अटैक जो वाइब्रेंट है उसको मारने में काम आ रहा है, नॉर्मल अटैक से नहीं मारता। कहाँ भाग रहे इतना मार खाते भाई, कहाँ भाग रहा इतना मार खाते भाई बेटा जी, कहाँ भाग रहे भाग रहा था कैसे भाई, भाग रहा था भाई हमसे कैसे भागेगा बेटा। पॉटी वाला अटैक इसके भाई ऊपर डाल देता हूँ मैं इधर को, यहाँ से मैं खुद ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, रेक्स कहाँ से ऊपर चढ़ेगा।
का ऊपर, अभी बस इसको अटैक डालना है बस ऐसे। ये ले, ये भी चढ़ने की ट्राई तो कर रहा है। रुक जा भाई, रुक जा, पॉटी वाला अटैक का कूलडाउन है। रुक भाई रेक्स, रुक जा। हाँ ये ले, खा ले भाई पॉटी वाला, खा ले पॉटी वाला अटैक और मर जा भाई। ठीक है, वो चढ़ गया भाई, ये भी ऊपर चढ़ गया भाई। ठीक है, इसके थोपड़े पे अटैक डालता हूँ पॉटी वाला, सीधा फेस पे डाला है। मैं वापस से पानी में नहीं कूदना यार, वापस से पानी में नहीं कूदना रे। शुरू खा ले, खा ले आराम से मार खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। 24 मिलियन हेल्थ बची हुई है खाली इसके। अभी पावर अप कर लियो, मुझे खुद पता नहीं, अभी मैंने पावर अप कर लिया खुद को। अरे वाइब्रेंस ने तो मेरा जीना हराम कर रखा ही है पहले से ही। ठीक है, ये वाइब्रेंस को क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो मरने वाले फाइनली, और एक हीलिंग पोशन पीने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि ऊपर नहीं आ पा रहा है। आ गया ऊपर, आ गया, हीलिंग पोशन पी लेता हूँ, बैकअप के लिए। मैं नहीं चाहता भाई मर जाए भाई। ठीक है, मर गया, लेट्स गो बॉयज, फाइनली। अबे यार फाइनली, ये ओरिजिन वाले रेक्स को मारने में हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं भाई। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा भाई सच में यार, ये रेक जो ना गाइस मरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली हम लोग ने जो ना गाइस उसको हरा ही दिया यहाँ पे। मजा आ गया भाई। ठीक है, आर्मर जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला यार, मुझे जूता और वो चाहिए थी पैंट, बट मुझे गाइस वापस से जूता और वो हैंड चाहिए था। मुझे भाई वो मिल गया भाई, खोपड़ी और पैंट मिल गई है, जिसकी जरूरत तो मुझे थी नहीं। ये वाला तो मेरे पास पड़ा हुआ है, फिर भी ले लेता हूँ। चलो मैं भाई यार, चलो कोई ना, एक और ओरिजिन है क्या आजू बाजू कहीं पे, जरा देखा जाए, उसको भी मार लेता है। आ ही गया तो लग गया तो उसकी भी बेटी बना लेते गाइस। ठीक है, कौन सा ओरिजिन है पहले वो मैं देख लूँ। ठीक है, कोई खतरनाक सा ओरिजिन ना हो, कौन सा ओरिजिन है पहले मैं वो देख लेता हूँ भाई। ठीक है, भाई इतना ज़्यादा लोडिंग। ठीक है भाई, ओरिजिन कारण है थोड़ा सा ऊपर ही है, ओरिजिन कारण भाई वो ब्लीडिंग दे दे के बैंड बजा देता है यार, लेकिन उसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, पता है आपको, कारनो का ब्लीडिंग ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैं कारनो से थोड़ा दूर ही रहता हूँ हमेशा। पर चलो कोई ना, अभी ट्राई कर ही लेते मारने की, उसको हमला कर देगा सीधा हमला कर देगा, थोड़ा बच के। पावर अप भाई, पावर अप करके इसके ऊपर भाई फुल पॉटी फेंकते रहना है। 400 मिले मिलते हैं इसकी, कोई अपना अटैक तो देगा ही, ये अपना अटैक करेगा ही करेगा, हड्डी तोड़ अटैक ना करे, बस हड्डी तोड़ने वाला अटैक ना करे। हेल्थ तो डाउन कर रहा है, हेल्थ तो डाउन काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, पर कोई ना, मेरे पास हीलिंग पोशन है भाई, ये खत्म होती प्राइमल वाले हीलिंग पोशन एक्टिव कर देंगे आप लोग। ये मुझे अपना अटैक नहीं करने दे रहा, व्हाट ड्यूड भाई, सर पे उठा के कहाँ पे लेके जा रहा, सर पे उठा के रख रहा भाई, पता नहीं कहाँ पे लेके जाने की प्लानिंग थी इसकी मेरे को, सर पे उठा रहा भाई, यही तो इसकी भाई बात भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा गलत लगती है भाई, जैसे सर पे उठा के रख देता है भाई, हम लोग अपना अटैक ही नहीं कर पाते। अभी कर रहा है वर्क कर रहा है, 10% हेल्थ डाउन, क्या पता हम लोग को कैसे हमारे हाथ दे दे ओरिजिन वाले, हाथ मिल सकते हैं इसलिए थोड़ा सा मार खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण की लवारी मुंह पे मारा भाई, सीधा मुंह पे मारा भाई। ठीक है, 400 मिलियन हेल्थ है भाई, ओरिजिन को मारना डिमाने के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बड़ी मुश्किल से ओरिजिन को मार पा रहे हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल से, बट गीगा से ज्यादा तेज ही मार रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। मुझे फूली ड्रैगन पकड़ना चाहिए था, वो ना एक्यूरेट अटैक करता है, बंदर का पॉडी अटैक जो है ना जो एकदम एक्यूरेट अटैक नहीं है एक्चुअली में। हेल्थ भाई बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन नहीं हो रही है, अबे मेरा प्राइमल हिल का पे रहा, भाई मैं हूँ कहाँ पे और मेरा अटैक कहाँ पड़ रहा, देख रहे हो, इसको भी एक काम करता हूँ, इसको भी एक काम करना पड़ेगा। अबे कहाँ उठा के लेके जा रहा है यार तू,
एक तो कार्नो ना इसे भाई सर पे उठा के लेके जाता है, देख रहे हो, सर पे उठा के लेके जाता है। तो बुलाता मैं अपने नजदीक, एक पहाड़ी चाहिए लाइक दिशा, ये वाली पहाड़ी, इस वाली पहाड़ी के यहाँ पे आएंगे हम लोग। ऐसे अभी यहाँ पे क्यों आया हूँ मैं, इसके लिए। अबे अटैक ही नहीं पड़ा, ये क्या चमनगिरी है। मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि डैमेज रिफ्लेक्ट हो सके मेरा। ये तो कांडे हो गए लगी यार, अटका दे इस भाई, संभल के संभल गया। इसको डैमेज कंटिन्यूस पड़ते रहेगा। सामने की तरफ भाई अपना पहाड़ है तो वो मेरा पॉटी रिफ्लेक करके रिटर्न भेज देगा यही पे मेरे पास। अरे यार ये पहाड़ी ठीक नहीं है थोड़ी। अब हट यार, ये उठा के रख रहा भाई मेरे को, कंधे पे उठा के रख रहा है ना, ये ठीक नहीं। मुझे एकदम सीधी पहाड़ी चाहिए जो मेरे डैमेज को रिफ्लेक्ट कर सके। मैं शायद से डायरेक्टली जहाँ पे रेक्स को मारा था उसी एरिया में चलता हूँ। वो वाला एरिया बढ़िया था भाई, ये वाला बीच वाला एरिया, ये बीच वाला एरिया एकदम बढ़िया था भाई। हाँ यहाँ पे आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ से जितना अभी अटैक करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ इसे, और इसकी पैड भी बहुत ज़्यादा जल्दी बच जाएगी। ठीक है, इस वाले एरिया में लो, ये देखो ये रिप्ले कर रहा है पूरे पॉटीज को, रिटर्न हमारे पास ही रिप्ले कर रहा है। तो इसकी बैंड बजाना हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है। मैं धक्का मार मार के कहाँ पे लेके जा रहा भाई मेरे को, कहाँ लेके जाने की सोच रहा है भाई। प्राइमल और भाई ये वाली हीलिंग पोशन का कॉम्बो यूज करना पड़ रहा है मेरे को, ये उठा के रख रहा था मेरे को। लेकिन कोई ना, 20% हेल्थ इसकी डाउन हो चुकी है अभी के लिए तो। और डिमोनिक बंदर फीमेल है लगती है, लग अपना अच्छा साथ दे रहा है। हम लोग को एक भाई बंदर फीमेल मिले तो हमारे पास डिमोनिक वाले अंडे भी अभी होने वाले हैं जमा भाई। ठीक है भाई, इसको तो मारूंगा मैं, डैमेज रिफ्लेक्ट कर करके मारूंगा इसको, दीवार से डैमेज रिफ्लेक्ट करूंगा मैं। ये बहुत ज्यादा भाई कंधे पे उठा के लेके जाने की ट्राई करता है ना मेरे को। क्या हुआ मैं अटैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, ये उठा के रख रहा ना, ये प्रॉब्लम है। देखो जमीन पे टच ही नहीं होने दे रहा है, तो मैं अटैक कहाँ से करूंगा बताओ यार, जमीन पे टच ही नहीं होने दे रहा है, देख रहे हो भाई। हेलो, कहाँ, मैं सारे बटन दबा रहा हूँ बट मुझे जमीन पे टच ही नहीं होने दे रहा है भाई। कारनों को भाई मारना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यार, ये देखो। अबे यार आए, ये देख रहे हो भाई, छोड़ो मैं इसे टीपी मार देता हूँ, बाहर में जाए। नहीं भाई नहीं मारना, इसके लिए मैं कोई और डायडो लेके आऊंगा। ये देखो भाई, हवा में उठा के रखा, अभी टीपी मार रहा हूँ तो जमीन पे भाई वापस से करते हैं, जमीन पे वापस से गिरा दिया। जब टीपी मारने का टाइम आया तो इसने जमीन पे वापस से मुझे भेज दिया भाई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अबे आराम से हम लोग जो है इसकी बाण बजाने की ट्राई कर सकते हैं, आराम से ट्राई कर सकते हैं। 50% हेल्थ डाउन है भाई इसकी, 50% हेल्थ डाउन है। ठीक है, 200 मिलियन तक हेल्थ आ चुकी है इसकी, 200 मिलियन हेल्थ मैंने खाली इसकी डाउन करी इतने टाइम में। उठा लिया इसने वापस से हवा में उठा लिया यार, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। छोड़ो भाई, नहीं भाई तेरे से फाइट ही नहीं लेनी है ना भाई, मैं फाइट ही ना ले रहा ना भाई, मेरे को उठा दो वापस से, उठा मेरे को फाइट ही नहीं लेना भाई, मेरे को फाइट लेना ही नहीं है भाई। टीपी भी कहाँ पे मिस हो गया मेरा टीपी भी मिस हो गया भाई। ठीक है, मेरे को फाइट लेना ही नहीं है भाई, चीटिंग कर रहा भाई ये कारनो, चीटिंग कर रहा भाई, मैं फाइट लूंगा ही नहीं भाई। फालतू में यार आसमान में उठा रहा है और मैं अपना पॉटी अटैक नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन कोई ना, हम लोग ने दो ओरिजिन को तो गाइस आज मार दिया, मजा आया काफी ज्यादा। बट मैं ना एक और पावरफुल डिमोनिक डायनो अगले वाले एपिसोड में टेम करूंगा जिसका अटैक एकदम एक्यूरेट हो। ये बंदर का अटैक ना एकदम एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है,
पर रैंडमली केपीपी इसके बम फटते हैं, बट हमारे पास एक ऐसा डिमोनिक डायनो है जो परफेक्ट अटैक अपना किसी भी टारगेट के ऊपर मारता है। मैं उसको जो ना कि आने वाले एपिसोड में टेम करूंगा। बाकी आर्मर सेट की दो चीज़ें जो ना कि फुल ओरिजिन आर्मर सेट की दो चीज़ें अभी यहाँ पे बची हुई है, वो हम लोग आने वाले एपिसोड में गाइस यहाँ पे इकट्ठा करके आर्मर सेट भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। बाकी तो आज का ये वाला एपिसोड आर्क सर्वाइवल इवोल का और प्राइमल फेयर प्लस आर्क इटर्नल का ये खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb.